नमस्कार दैनिक शिफ्ट का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबर नजरें टिकी हुई थी, जो फैसला यानी कि कल आना था वो आज फैसला आया। चौधरी लाल सिंह जी को बेल ग्रांट हो गई है, ये बड़ी खबर। जो ऑनरेबल कोर्ट ने चौधरी लाल सिंह की बेल को ग्रांट कर दिया, उनकी जमानत उन्हें मिल गई है। नजरें यही थी, ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि आज का फैसला जो होगा क्या चौधरी लाल सिंह जी के लिए मायूसी भरा होगा उनके परिवार वालों के लिए, या खुशियां लेकर आएगा और कहीं ना कहीं राहत मिली। और उनकी जिस तरह से धर्मपत्नी कांता अंडोत्रा जी साफ तौर पर कह रही थी, बार बार कह रही थी कि कहीं ना कहीं उन्हें ऑनरेबल कोर्ट पर यानी न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि उन्हें जमानत मिल जाएगी। अल्टीमेटली आज ऑनरेबल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है, इसमें पूरी प्रक्रिया वहां चल रही है। पर फिलहाल की बड़ी खबर, जिस तरह से आप जानते हैं हमने आपको पल पल की खबरें दी थी, पल पल की खबरें दी थी कि किस तरह से सात तारीख को उन्हें ईडी द्वारा अरेस्ट किया जाता, उसके बाद उन्हें 7 दिन की रिमांड पर लिया जाता, उसके बाद फिर से रिमांड को 5 दिन के लिए एक्सटेंड किया जाता और जिस तरह से बीच में उनकी हालत खराब हो जाती तबीयत, जिसके चलते उन्हें गांधीनगर हॉस्पिटल से जो कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया जाता है, और किस तरह से चौधरी लाल सिंह जी द्वारा इल्जाम लगाए गए थे कि उनका इलाज भी पूरी तरह से सही तरीके से नहीं होने दिया जा रहा था, उसी के चलते लगातार उनके समर्थक जो कि बार बार प्रदर्शन भी कर रहे थे। उसके बाद बताना चाहेंगे कुछ दिन पहले उन्हें ईडी की तरफ से यह कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने ईडी को फटकार भी लगाई थी कि आप ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल कर रहे। उसके बाद ईडी के द्वारा ऑब्जेक्शन फाइल किया गया, उन्हें फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, यानी अम्फिला डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया गया। पर यही था कि आज या कल में जिस तरह से उन्होंने 2 दिन पहले की अगर बात करें तो दोनों वकीलों की, ईडी के वकील और चौधरी लाल सिंह जी के वकीलों के बीच में बहस हुई, आर्ग्यूमेंट हुई और उसी के चलते फैसले को सुरक्षित रखा गया था। पर अनुमान यही लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं बेल मिलती है या फिर से चौधरी लाल सिंह जी की मुश्किलें और बढ़ती हैं। पर अभी तक की बड़ी खबर ये आ रही है, कहीं ना कहीं या यूं कहें कि सच्चाई की जीत हुई है, या यूं कहें कि ईडी के द्वारा जो ऑब्जेक्शन दिए गए थे वो पूरी तरह से ऑनरेबल कोर्ट उससे सेटिस्फेक्शन नहीं थी, या जिस तरह से प्रक्रिया पूरी चल रही थी, क्योंकि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और वहीं पर एक जमीन का ट्रस्ट का नाम थी, जो जमीन जो थी कांता अंडोत्रा, जो ट्रस्ट की चेयरपर्सन थी उनकी वो धर्मपत्नी कांता अंडोत्रा थी। बार बार ये भी कहा जा रहा था उनके समर्थकों द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, के हमें कहीं ना कहीं हरासमेंट की जा रही है, पॉलिटिकल एक एजेंडा है जो चौधरी लाल सिंह जी के छवि को खराब करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, उसी के चलते लगातार समर्थक बाहर भी आए। पर ऑनरेबल कोर्ट पर पूरी तरह से विश्वास था उनके परिवार को, उनके समर्थकों को, क्योंकि जिस तरह से फैसला सुरक्षित आया था वो भी हमने आपके समक्ष वो अपडेट दिया था। पर अल्टीमेटली आज वो दिन आ गया, कहीं ना कहीं ऑनरेबल कोर्ट से चौधरी लाल सिंह जी को मिली है राहत, यानी उनकी बेल ग्रांट हो गई है। अब आगे क्या निकल कर आएगा ये आने वाला समय बताएगा, या यूं कहेंगे कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत हुई है। जो ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो उन पर दायर किया गया, जिसके चलते उन्हें उस यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, क्या लगता है उसके तथ्य क्या था, में सच्चाई थी भी या नहीं थी, क्योंकि उनके समर्थक, उनके परिवारजन बार बार कह रहे थे कि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जमीन के टुकड़े का केस है, जमीन का केस है, जिसे बदलकर यानी कि मनी लॉन्ड्री में किया गया है, तब्दील किया गया, तो जो कहीं ना कहीं जिसके माध्यम से चौधरी लाल सिंह जी को प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था। साथ उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये सियासी बदला था, ये बदले की जो राजनीति खेली जा रही है, पर ये आने वाला समय बताएगा। चौधरी लाल सिंह जी को फिलहाल ये कहेंगे कि उनके परिवार को उनको राहत मिली है, आज उन्हें ऑनरेबल कोर्ट से जमानत मिल गई है, क्या कहेंगे सच्चाई की जीत हुई है, या यूं कहें कि षड्यंत्रकारियों ने जो षड्यंत्र रचा वो उस षड्यंत्र में विफल हुए हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।